हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुलकर्णन। आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लव फर्नीचर में। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स यू मस्ट नो हाउ टू केयर फॉर योर प्लांट्स। जी हाँ, मैं आप लोग के साथ इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि लूजिंग दी टॉप सॉइल, जिसे हम लोग गुडाई करना भी बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को ये क्या करना है, वंस इन अ वीक आप लोग को जो ये मिट्टी आपकी पॉट की होगी, इसे आप लोग किसी भी टूल की मदद से या तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप लोग इसे वंस इन अ मंथ ये काम किया कीजिएगा। तो ये जो गुडाई करना है या तो मिट्टी जो आप लोग को लूज़ करना है, ये आप लोग लगभग 1 से 1.5 इंच तक कर सकते हैं। और इससे आप लोग क्या फ़ायदा है कि इससे गुड एरेशन सिस्टम काफ़ी अच्छे प्लांट में आपका बना रहेगा, और साथ ही साथ आपका ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो है ये इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसे आप लोग कर लेना, 1 से 1.5 इंच तक कर सकते हैं आप लोग। दूसरा पॉइंट हमारा है डू रेगुलर ट्रिमिंग। जी हाँ, आप लोग के अपने प्लांट्स के जो भी ये टिप्स वगैरह रहेंगे उसे आप लोग काट के हटाते रहना है, या तो जो भी आपके प्लांट फ्लावर वगैरह खिल जाए ना, सूख जाए, तो इसके बाद आप लोग को हटा देना। जिस तरह मैं आप लोग को हटा के यहाँ दिखा रहा हूँ, आप लोग को देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग को हटा देना सभी। इससे क्या होगा कि यहाँ यहाँ से नए नए आप लोग देख सकते हैं ब्रांचेस निकलेंगे, और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे, साइड से साइड ब्रांच निकलेंगे, तो ज़्यादा कली होगी और ज़्यादा आपके प्लांट फ्लावरिंग होगी। देख सकते हैं, जैसे मेरा गुलदादी का ये प्लांट देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे देख सकते हैं इसके टिप्स वगैरह काट दिए, तो साइड ब्रांचेस आप लोग को दिख सकता है यहाँ से ढेर सारा निकल रहे हैं। इसमें जितने साइड ब्रांच निकलेंगे उतने ज़्यादा इसमें कली और फ्लावरिंग होगी काफ़ी अच्छे तरीके से। और भी मेरे कुछ नोट्स में इसमें भी मैं काट के आप लोग को दिखा दूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। इससे क्या होगा, साइड ब्रांचेस काफ़ी निकलेंगे और बहुत सारा आपके प्लांट में फ्लावर भी होंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, रिमूव ऑल दी डेड लीव्स, या तो ब्रांचेस या तो जो भी आपके पुराने पत्ते उसे आप लोग को अच्छे तरीके से हटा लेना है। इससे क्या होगा कि आप लोग के जो भी प्लांट की जो एनर्जी अपना पूरा न्यू ग्रोथ की तरफ लगाएगा, जो भी आपके प्लांट न्यू डेवलपमेंट होगा उसी तरफ आपका प्लांट एनर्जी पूरा इन्वेस्ट करेगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो भी आपके ओल्ड लीव्स या तो जो पत्ते मर गए उसे आप लोग हटा लें सीजर की मदद से, इस तरह मैं आप लोग करके यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें भी कुछ मेरे रूट्स प्लांट्स हैं, ओल्ड लीव्स वगैरह सब, उसे भी मैं हटा दूँ ताकि प्लांट पूरा एनर्जी अपने न्यू ग्रोथ की तरफ एनर्जी अपना लगा सके। फोर्थ पॉइंट हमारा है, जो भी आप लोग लीव्स वगैरह कट करके जो कलेक्ट करेंगे डेड लीव्स, तो आप लोग चाहे तो इससे क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट भी बना सकते हैं घर पर, काफ़ी अच्छा है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि आप लोग को टाइम टू टाइम अपने क्या करना है, पॉट का ड्रेनेज सिस्टम चेक करते रहना। होता है क्या है कि आपके पॉट के ड्रेनेज सिस्टम कभी कभी इसके जो रूट्स रहते हैं प्लांट के उसके कारण या तो मिट्टी के कारण बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग जब भी वाटरिंग करते हैं तो वाटर अच्छे तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता है और रूट्स धीरे धीरे इनकी गलने लगती है और आपका ऐसे में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए कम से कम महीने में तो एक बार आप लोग ड्रेनेज सिस्टम आपके पॉट के चेक करते रहिए, किसी भी आप लोग टूल्स की मदद से इसे अच्छे तरीके से फिर से बना सकते हैं। तो इससे भी मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जिसमें मैंने डिटेल में बताया, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो और हमारा लास्ट पॉइंट है कि व्हेन एंड हाउ टू वाटर योर प्लांट्स। जी हाँ, अपने प्लांट को कब आप लोग की वाटर की आवश्यकता है, कैसे पहचानेंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपने जो पॉट की सॉयल है उसकी अपर सरफेस छू के आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ऊपर का सरफेस ड्राई लगे तभी आप लोग अपने प्लांट में वाटर ऐड कीजिए, वरना ना कीजिए। और चाहे तो आप लोग अपने फिंगर्स में भी लेके देख सकते हैं, अगर आपके फिंगर्स में सटता है तो समझ लीजिए आपके प्लांट्स को वाटर की नीड नहीं। अगर ये ड्राई आप लोग को फील होता है तभी आप लोग वाटर ऐड करें। तो वैसे तो सभी प्लांट का अलग अलग वाटर की नीड है, किसी को 2 दिन के बाद चाहिए, किसी को 1 से 1 वीक चाहिए, और किसी को 2-3 दिन में ही चाहिए, किसी को डेली बेसिस पर वाटरिंग चाहिए। तो इसीलिए प्लांट के हिसाब से आप लोग को वाटरिंग करनी होगी। और अगर सर्कुलेंट्स की बात करें तो अगर मान लीजिए इसे कुछ दिन तक वाटरिंग नहीं भी आप लोग करेंगे और ये आप लोग का जो सॉइल सरफेस पूरा सूख भी जाएगा तो भी आप लोग को दिक्कत की बात नहीं। होता क्या है कि इनके जो लीव्स रहते हैं, ये इसके लीव्स में वाटर काफ़ी मौजूद रहता है मॉइस्चर, तो इससे भी ये काम अपना चला लेता है। तो आप लोग वाटरिंग पे मेरी एक तो वीडियो है, तो जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपके प्लांट को वाटरिंग देनी चाहिए नहीं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं प्लांट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।